आईपीएल के 13वें सीजन के आगाज में अब 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। इस साल कोविड-19 महामारी के चलते आईपीएल यूएई में 19 सितंबर से खेला जाना है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला मैच खेला जाना है। सभी टीमें इस समय जमकर ट्रेनिंग कर रही हैं। इस बीच सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने प्रैक्टिस सेशन में ऐसा कुछ किया जिसे देखकर पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान एकदम हैरान रह गए हैं। धोनी को ट्रेनिंग के दौरान विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करता देख इरफान काफी हैरान हैं और उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने ऐसा नहीं देखा। धोनी ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला पिछले साल 2019 विश्व कप में खेला था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलने के बाद से धोनी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर। आईपीएल से पहले पिछले महीने 15 तारीख को वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। मैच से पहले धोनी को बैटिंग की प्रैक्टिस करते हुए कई बार देखा गया लेकिन विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते देखना काफी अलग है। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान इरफान पठान ने कहा कि हमने कुछ नए विजुअल्स देखे जिसमें एमएस धोनी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ये कुछ नया है क्योंकि मैं उनके साथ कई साल क्रिकेट खेल चुका हूँ, भारतीय टीम के लिए भी और आईपीएल में सीएसके के लिए भी। मैंने कभी उन्हें विकेट कीपिंग करते हुए नहीं देखा। पठान ने आगे कहा कि ऐसा शायद इसलिए है कि उन्होंने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है। मुझे लगता है कि टीम में कुछ लेग स्पिनर हैं जो हो सकता है वो देखना चाह रहे हों कि गेंदबाज कैसे हैं, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि वो विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पठान ने यह भी कहा कि अच्छी बात है कि प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और इसमें हैरानी की बात नहीं है कि फैंस उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। ये काफ़ी सालों से हो रहा है, कोविड है लेकिन फिर भी लोग धोनी को देखने के लिए आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का इस बार अंदाज देखने को मिल रहा है, ये बात तो तय है कि इस बार आईपीएल में धोनी का कोहराम देखने को मिलेगा। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।